यमुना कुमारी एक ऐसा नाम जो शायद अपने समय में हर किसी की जुबान पर रहा करता था। मीना कुमारी हिंदी फिल्मों की ट्रेजेडी क्वीन कही जाती हैं। मीना कुमारी की असल जिंदगी भी काफ़ी दुखों भरी रही। बहुत ही कम लोग ये बात जानते होंगे कि धर्मेंद्र के साथ भी मीना कुमारी का नाम जुड़ा था। एक बार धर्मेंद्र ने मीना को सरेआम थप्पड़ मार दिया था। कहा जाता है कि पति कमल अमरोही से अलग होने के बाद मीना कुमारी की नज़दीकियाँ धर्मेंद्र से बढ़ गई थी। उस वक्त मीना अव्वल नंबर की स्टार थी, जबकि धर्मेंद्र उस समय फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे। मीना कुमारी ने उनके करियर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया। दोनों का रिश्ता करीब 3 साल से अधिक चला। इस दौरान धर्मेंद्र इंडस्ट्री में पूरी तरह से एस्टेब्लिश हो चुके थे। दोस्तों, कहा जाता है कि करियर में आगे बढ़ने के लिए धर्मेंद्र ने मीना का सहारा लिया था। धर्मेंद्र के धोखे ने उनका दिल इस तरीके से तोड़ा कि वे शराब पीना शुरू कर गई। पर्दे पर मीना कुमारी ने जिस तरह से किरदार प्ले किए, उनकी निजी जिंदगी भी वैसी ही रही। क्लासिक फिल्मों की साहेब बीबी और गुलाम 1962 में मीना कुमारी ने छोटी बहू का रोल किया था। उसी कैरेक्टर से वे शराब की आदी हो गई थी। करियर की ऊंचाइयों पर भी पहुंचने के बाद मीना कुमारी और ज़्यादा शराब पीने लगी थी। प्यार में लगातार धोखा खाने से उनका दिल टूट चुका था। लगातार सच्चे प्यार की तलाश में भटकती रही मीना कुमारी। आपको बता दें कि मीना कुमारी को अधिक शराब पीने से लीवर सिरोसिस हो गया था। उनकी शादी कमल अमरोही के साथ 1952 में हो गई थी। जल्द ही उनका तलाक भी हो गया था। कमल अमरोही उनसे 15 साल बड़े थे। फिल्म पाकीजा फरवरी 1972 में रिलीज हुई। इसके 2 हफ्ते बाद मीना कुमारी का निधन 31 मार्च 1972 को हो गया था। दिलचस्प बात यह है, रिलीज होने के बाद पाकीजा फ्लॉप मानी जा रही थी, लेकिन मीना कुमारी के गुजर जाने के बाद फिल्म सुपरहिट साबित हुई। दोस्तों, टॉप मास उनको श्रद्धांजलि देता है।